नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। जयंती के मौके पर लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, ये तो दुख तो है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि घर से निकलना भी संभव नहीं है। क्या करें, कोई उपाय नहीं है। बहुत से लोग हर त्यौहार में, किसी भी, चाहे रिलीजियस फेस्टिवल हो, सोशल फेस्टिवल हो, किसी भी फेस्टिवल में कोई नहीं निकल पा रहे, तो ये इस दर्द के साथ ही इसे पालन करना। लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा कि जितनी एक्टिव आपने काम किया और हम लोग दीगर लोगों को नहीं देख पाए, जो सियासी जो लोग सियासत कर रहे हैं वो लोग को उतना एक्टिव हम लोग नहीं देख पाए जितना आप एक्टिव थे, उसकी क्या वजह? नहीं, ममता बनर्जी के सोल्जर के रूप में जो भी अपने आप को देखते हैं वो सारे लोग एक्टिव थे, और जिन लोगों का काम है केवल घर में बैठकर समालोचना करना, वो लोग अपना ये काम करते हैं। हर समय में ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो घरों में बैठकर केवल क्रिटिसाइज करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो रास्ते में निकलकर किसी भी समस्या को फेस करते हैं। तो ममता बनर्जी के सैनिक के रूप में इस शिल्पा में जो लोग भी हैं, सारे लोग रास्ते में निकलकर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इसका मुकाबला कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो इस राज्य का भला नहीं चाहते, वो घर में बैठकर केवल कमियां निकाल रहे हैं। कुछ दिनों के बाद एक त्यौहार आने वाला, ईद फेस्टिवल आने वाला, और हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट खुल रही है तो भीड़ मैंने बढ़ रहे हैं, तो जिस तरह लोग जा रहे हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट आपका? ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, ईद भी मनाना जरूरी है, खुशी की ईद आएगी तो खुशी की सारे जो लोगों के जीवन में खुशी लेके आए, इसके लिए हम लोगों को खुद अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना है, और जब बहुत ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, लेकिन कभी कभी तो घर से निकलना भी पड़ता है, लेकिन अपने से ये कोशिश करें। कौन पुलिस कब मना करेगा, प्रशासन से कौन मना करेगा, इस पर निर्भर ना होके आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएं, अपने आप अपना डिसिप्लिन आप खुद ठीक करें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये खुद ठीक करें। जब आप अल्लाह की इबादत करते हैं और तो जब उनकी बात मानने का आप ये बार बार एक महीने तक आप जब भी नमाज पढ़ते हैं या आप ये कहते हैं कि अल्लाह की बात हम मानेंगे, तो ये उचित है कि वर्तमान परिस्थिति में जो हमें करना चाहिए, जो काम करने से ह्यूमन बीइंग का अच्छा होगा, ये हम लोग माने। ये यदि हम लोग आज लॉकडाउन को हम लोग मानते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले की इबादत करना ही हुआ, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि मानवीयता का लाभ हो, और मानवीयता में जो लोग भी हैं सारे लोग जिंदा रहें, सारे लोग बचे, किसी के जीवन जान माल की कोई हानि ना हो, वो तो यही चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेयर तभी पूरा सही होगा जब उनकी बातों को हम मानें। लॉकडाउन एक्सटेंशन होने की वजह कर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि वो भी दम तोड़ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? सरकार सही समय पर सही निर्णय लेगी और उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर मौका लेकर आएगी। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि जो लोग अब भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे? ये सरकार विभिन्न समय पर जहाँ जो जरूरत होती है, जितना कड़ाई करने की जरूरत होती है सरकार करती है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग को हर कुछ कानून से मनवाना पड़े। अभी भी जनता से अपील है कि वो खुद डिसिप्लिन हो जाए और अपना नियम खुद माने, अन्यथा सरकार को कोई कड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा। विरोधी दल राशनिंग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये सवाल उठा रहे हैं तभी तो वो विरोधी हैं, यदि सवाल उठाना बंद कर दें तो उन्हें लोग हमारा लोग समझने लगे, लेकिन उन करें लोग। आप जब देखें साइकिल पर जो लोग एक एक गरीब घर में जब 30 किलो 40 किलो 50 किलो का बोरा लेकर जब चावल लेकर लोग घर जा रहे हैं, तो उनके चेहरे पर जो खुशी है वो देख के हम लोग संतुष्ट हैं। विरोधी लोग क्या कहते हैं नहीं कहते, इसका हम कोई परवाह नहीं।